नागपुर के लोगों ने नागपुर महानगर पालिका द्वारा बार बार की गई कॉल का जवाब दिया। महापौर संदीप जोशी ने इस साल सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव न मनाने की और 4 फीट से ऊंची मूर्तियों को न रखने और घर में गणेश की मूर्तियों को विसर्जित करने की अपील की थी। नागपुर महानगर पालिका द्वारा की गई इस अपील का नागपुरवासियों ने सहजता से जवाब दिया। अनंत चतुर्दशी पर कई नागपुरवासियों ने घर पर विघ्नहर्ता गणराया की मूर्ति को विसर्जित करके अपनी जिम्मेदारियों का परिचय दिया। इस संकट में नागपुर के लोगों द्वारा दिखाई गई सामंजस्य की भूमिका सराहनीय है और शहर के प्रथम नागरिक के रूप में नागपुर के सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा, ऐसी बात भी महापौर संदीप जोशी ने कही। मंगलवार को महापौर संदीप जोशी ने शहर में विसर्जन स्थल का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। शहर के पुटाला, गांधी सागर और सकंदरा झील क्षेत्र में कृत्रिम टैंकों के विसर्जन स्थलों का भी निरीक्षण किया। स्थायी समिति के अध्यक्ष विजय झलके, खेल समिति के अध्यक्ष प्रमोद चिखले, पुलिस उपायुक्त अभिनेता शाहू, उपायुक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीप दाशरवार, पुलिस निरीक्षक राघवेंद्र सिंह क्षीरसागर आदि उपस्थित थे। महापौर ने निगम के कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मेयर संदीप जोशी ने ग्रीन विजिल फाउंडेशन और मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सेवादारों से भी बात की। पिछले साल की तुलना में इस साल भगवान गणेश की बहुत कम मूर्तियों को शहर में विसर्जित किया गया है। क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक नागरिक नियमों का पालन कर रहा है, हर कोई खुद की देखभाल कर रहा है। ग्रीन विजिल फाउंडेशन के संस्थापक कौस्तव चटर्जी ने कहा, जो फुटला झील क्षेत्र में कार्य करता है। ग्रीन विजिल फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने फुटाला झील क्षेत्र में विसर्जन स्थल पर संदेश बोर्ड प्रदर्शित किया, जिसमें पर्यावरण के अनुकूल गणेशोत्सव और कोरोना के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई। ग्रीन विजिल के कौस्तुभ चटर्जी के साथ सुरभि जायसवाल, मेहुल कुसुरकर, विष्णुदेव यादव, शीतल चौधरी, नम्रता जवेरी, विकास यादव और अन्य स्वयंसेवकों ने मंगलवार की सुबह विसर्जन पूरा होने तक अपना कर्तव्य निभाया। हर साल की तुलना में इस साल शहर में 250 कृत्रिम टैंक लगाए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी भी स्थान पर विसर्जन के लिए नागरिकों की भीड़ नहीं है। यह नागपुर के लोगों द्वारा प्राप्त सामंजस्य का संदेश है। विसर्जन जो है बंद रहे, प्रदूषण की दृष्टिया वहाँ पर विसर्जन ना हो, बाद में जो समस्याएं निर्माण होती वो ना हो, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। एक ही बड़ा तालाब जो है, ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं वो बड़ा तालाब ये चालू रखते थे, लेकिन इस वर्ष और हमने प्रबंधन बढ़ा दिया है और ये भी तालाब बंद करके इस तरीके से 250 कृत्रिम टैंक ये नागपुर शहर में हमने खड़े किए, जिसके माध्यम से विसर्जन वहीं पे हो और जनता ज़्यादा से ज़्यादा नियमों का पालन करे, कम संख्या में आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश करे। इस तरीके से था, हमने आह्वान भी किया, मेरे से लेकर हम सभी लोगों ने घर में ही अपने गणेश जी का विसर्जन किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों ने अनुशासन का पालन किया तो एक लेवल तक हम कोरोना को रोक, मास्क का वापर करना चाहिए, नियमित करना चाहिए। हमने अगर अपने आप पे जो अनुशासन सभी डॉक्टरों से निवेदन है कि तो मुझे ऐसा लगता है कि मेयर संदीप जोशी ने विश्वास भी जताया कि अगर हम इसी तरह सावधानी बरतते हैं और अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए तत्परता दिखाते हैं तो हम जल्द ही कोरोना को निष्कासित कर देंगे।